नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। लंबे समय से 4600 ग्रेड पे लागू होने का इंतजार कर रहे पुलिस कर्मियों को डीजीपी अशोक कुमार ने एक बार फिर महज आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे लागू करने को लेकर शासन और सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही इसका निस्तारण कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस वर्ष चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात भी कही। बुधवार को नैनीताल क्लब में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकार वार्ता कर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में साइबर ठगी पर रोकथाम को लेकर पुलिस प्रयास कर रही है। साइबर अपराधियों के ठिकानों तक पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव पर पुलिस कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल में डीजीपी ने कहा कि कानून के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सत्यापन और अन्य अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा के कारण अभियानों में कुछ सुस्ती जरूर आई है, मगर पर्याप्त पुलिस बल होने के बाद अभियान एक बार फिर से तेज कर दिए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को इस बार रिकॉर्ड तोड़ होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद मई माह में ही अब तक 9,00,000 श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इस बार यात्रा रिकॉर्ड तोड़ेगी, जिसको सुव्यवस्थित चलाने को लेकर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। नए सिस्टम और व्यवस्थाओं को लागू कर श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए, नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है, पूरे देश में पॉपुलर है और स्वाभाविक है कि यहाँ पे लाखों यात्री आता है, टूरिस्ट आता है। तो ऐसे में एक लिमिटेड स्थान है, पार्किंग कम है, तो नेचुरल है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो आएगी और उसको मैनेज करना आसान भी नहीं है। हमारी पुलिस इसके प्रति पूरी तरह सजग है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके साथ मिल करके जो बेस्ट पॉसिबल ट्रैफिक व्यवस्था हो सकती है वो बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो नैनीताल से ये थी हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। इसी तरह की खास खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ, क्योंकि जेजेएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नमस्कार।